अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रीम में जहां पे हम स्टीमर का स्पीड एक्स लेते थे फिर डाउनवर्ड स्ट्रीम में फोर ऐड कर देते थे अपवर्ड में फोर माइनस कर देते समथिंग लाइक दैट यहां पे नहीं करेंगे जिस चैप्टर में क्वेश्चन है उसी प्रोसेस का यूज करेंगे गिवन क्या है यहां पे कि अगर वो अपवर्ड स्पीड जा रहा है तो वो टाइम ले रहा है ट्वेंटी फाइव आवर्स क्लियर है तो अज्यूम कर लो ये स्पीड एस वन है अगर वो डाउनवर्ड स्पीड जा रहा है तो अज्यूम कर लो स्पीड एस टू है और ये टाइम ले रहा है ट्वेंटी आवर्स यहां पे क्या है दोनों टाउन के बीच में डिस्टेंस क्लियर है और ये अपने आप में इनफ इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो तो आप क्या लिखते हैं एस वन इंटू टी वन इज इक्वल टू एस टू इंटू टी टू यहां से अगर एस वन इनटू क्या लिखोगे 25 तो ये वैल्यू कितना आएगा s2 into 20 से सोनो सो so, s1 upon s2 का रेशियो मिल जाएगा आपको बच्चों 20 upon 25 यहां से आएगा 4 और यहां से आएगा 5 तो यहां से अल्टीमेटली मिला आपको 4 by 5 अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का और आपको डिफरेंस कितना चाहिए वो 8 का डिफरेंस चाहिए पूछो क्यों जब वाटर के अगेंस्ट जाओगे तो आपका डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा माइनस फोर और वाटर के फेवर में जाओगे वाटर के साथ जाओगे तो वो डिस्टेंस फोर से क्या होगा इंक्रीज होगा तो अगर आप इन दोनों के बीच का गैप डिफरेंस लोगे डिफरेंस तो आप क्या लिखोगे फोर माइनस माइनस फोर तो अल्टीमेटली गैप कितने का आएगा एट का आएगा बच्चों तो यहां से स्पीड क्या मिल जाएगा थर्टी टू डिवाइडेड बाय 40 से सोनो अगर आप 32 के स्पीड से जाओगे तो आपको टाइम लगेगा 25 फाइव आर्स और फास्टर स्पीड से जाओगे दैट इंप्लाई डाउनवर्ड आओगे तो आपको टाइम लगेगा 20 आर्स तो सिंपली डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 इंटू ट्वेंटी दैट इंप्लाई 800 किलोमीटर क्लियर है और ये किलोमीटर में क्यों आएगा सिंस स्पीड में है किलोमीटर पर आर और टाइम है आर में तो यहां से कैंसिल होकर किलोमीटर आएगा सो so आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए